आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ द क्वेश्चन हेयर इज वट इज कॉमन अमंग स्कॉर्पियन क्रैब हनी बी एंड सिल्वर फिश हमें देखना है कि इन चारों के बीच में क्या चीज कॉमन होती है और ऑप्शन हमें गिवन है पॉइजन ग्लैंड जॉइंटेड अपेंडेज मेटामोसिस और कंपाउंड आइज हमें देखना है कि इन चारों में से इन चारों में क्या चीज कॉमन है ठीक है सो so ये जो चारों हैं स्कॉर्पियन क्रैब हनी बियन सिल्वर फिश ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं दे बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा ठीक है आर्थरोपोडा जो है ये हमारा लार्जेस्ट फाइलम होता है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम और यू कैन से लार्जेस्ट फाइलम ये हमारा आर्थ्रोपोडा है इसके बाद होता है सो so, ये ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं मतलब इनकी जो बॉडी है वो तीन लेयर से बनी हुई है दैट इज एक्टोडम मीजोडम एंड एंडोडम एंड ऑल्सो सिमेट्रिकल होते हैं मतलब अगर बॉडी जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है बायोलिट्रली सिमेट्रिकल इनके पास जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दे हैव जॉइंटेड अपेंडिक ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यानी कि इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे कि लोकस्टा लीम्यूलस हनी बी इत्यादि और ऊपर चार तो गिवन है तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि इन चारों के बीच में क्या कॉमन है तो इन चारों के बीच में द कॉमन थिंग इज प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडजेस इन लोगों के पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं ठीक है देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर